राइडर्स टू द सी ओरन आइलैंड पर शुरू होता है जब नोरा एक यंग गर्ल एक छोटा बंडल लाती है और अपनी बड़ी बहन कैथलीन को इन्फॉर्म करती है कि इसमें उनके भाई माइकल के कपड़े हो सकते हैं। एक प्रीस्ट ने उसे बताया कि एक डूबे हुए व्यक्ति का शव मिला है और यह कपड़े उसी व्यक्ति के हैं, लेकिन वे नहीं चाहते कि उनकी माँ मौरे को इस बारे में कुछ पता चले। माइकल एक हफ्ते से लापता है और परिवार पहले ही 5 सदस्यों को समुद्र में खो चुका है। वे बंडल को झोपड़ी के मचान में छिपा देते हैं। तब वहां उनकी माँ मौरे आती है और यह दुख जाया करती है कि समुद्र ने उनके सभी बेटों को अपने अंदर ले लिया। मौरे को लगता है कि उसका बेटा माइकल अब इस दुनिया में ना रहा। वो अपनी बेटियों को अपने अंतिम जीवित बेटे बाटली के बारे में बताती है। बाटली कोनिमारा में परिवार के घोड़ों को बेचने के लिए समुद्र में जाने की प्लानिंग कर रहा था। नोरा और कैथलीन का मानना है कि उन्हें पैसे की आवश्यकता है, लेकिन मौरे नहीं चाहती थी कि उसका बेटा समुद्र में जाए और उसका मानना है कि पुजारी उसे खतरनाक टाइड्स के कारण समुद्र में जाने से रोक लेगा। ट्रस्सी की तलाश में बाटली झोपड़ी में प्रवेश करता है। मौरे उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी यात्रा के लिए घोड़ों के लिए लगाम बनाने पर अड़ा हुआ है। मौरे उसे माइकल के अंतिम संस्कार की तैयारी दिखाकर उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। वो अपनी बहनों को गुड बाय कहता है, लेकिन उसकी माँ उसे ब्लेसिंग्स देने से इनकार कर देती है। यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बेटे के जाने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना आयरिश ट्रेडिशन है। मौरे की बेटियां हैरान हैं कि उन्होंने ट्रेडिशन को तोड़ा। कैथलीन ने नोटिस किया कि बाटले ने कोई खाना नहीं लिया है और मौरे को उसके पीछे खाना और ब्लेसिंग्स देने के लिए भेजती है। वो माइकल की एक छड़ी लेकर चली जाती है, यह कंप्लेन करते हुए कि कैसे बुजुर्ग परिवार में बच्चों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। जब मौरे चली जाती है तो उसकी बेटियां यह देखने के लिए कि क्या वे माइकल के हैं, कपड़े के बंडल को मचान से निकालते हैं। नोरा कपड़ों पर खुद की सिलाई देखती है और कंफर्म करती है कि यह उसके भाई की है। अब वे जानते हैं कि उनके भाई का शव मिल गया है और उसे दफना दिया गया है। दोनों बहन कपड़ों को फिर से छिपा देती है जब उनकी माँ वहां आ जाती है, यह सोच करके शायद उनका मन अभी अच्छा होगा। हालांकि वह दहशत में लौटती है, यह दावा करते हुए कि माइकल को बाटली के पीछे एक घोड़े पर देखा गया है। सदमे के कारण वह बाटले को आशीर्वाद देने में असमर्थ थी। लड़कियां उसे माइकल के कपड़े दिखाकर शांत करने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि उसके बेटे को क्रिश्चियन के तरह ठीक से दफनाया गया था। इसी बीच उनके घर विलेजर्स आ जाते हैं उनके अंतिम बेटे बाटली कैलाश के साथ। वो पोनी जिसमें मौरे ने माइकल को देखा था बाटली को समुद्र में गिरा दिया, जहां वह डूब कर मर गया। मौरे बाटली के शरीर के पास घुटने टेकते हैं और उस पर हॉली वाटर छिड़कते हैं। वो दावा करती है कि उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है और अब वह रात को सो सकती है। आखिरकार समुद्र ने उसके परिवार के हर आदमी को ले लिया है और अब और नहीं ले सकता। माइकल के अंतिम संस्कार की व्यवस्था अब बाटली के लिए उपयोग किया जाएगा। नाटक का समापन में मौर्य ने अपने पिता, पति और अपने 4 बेटों की शांति के लिए प्रार्थना किया।